अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनफैक्ट कुछ गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस या अक्वामे मुत्तहिदा ने सन 2000 में सेट किए थे ताकि पूरी दुनिया के लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएं, उनकी जिंदगियों को, उनके मियार ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। तो ये गोल्स 8 हैं और ये इनका टारगेट ये था कि सन 2000 से लेके 2015 तक ये 8 गोल्स अचीव करने। और इसको स्टडी कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs आर द 8 गोल्स सेट बाय द 189 UN मेंबर स्टेट्स इन सितंबर 2000 एंड एग्रीड टू अचीव बाय द ईयर 2015। The Millennium Declaration was signed at the September Global Summit held at the UN headquarters in New York, and the 149 international leaders in attendance committed to combating disease, hunger, poverty, illiteracy, discrimination against women, and environmental degradation. The MDGs were derived from the declaration, and specific indicators and targets were attached to them. The followings are the 8 Millennium Development Goals. Number 1, to eliminate extreme poverty and hunger. Number 2, to achieve global primary education. Number 3, to empower women and promote gender equality. Number 4, to reduce child mortality. Number 5, to promote maternal health. Number 6, to fight malaria, HIV/AIDS and other diseases. Number 7, to promote environmental sustainability. And 8th, to develop a universal partnership for development. जी, अब ये आठों के आठों गोल्स वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट हर गोल जो है उसके सब टारगेट्स थे। किसी गोल का एक टारगेट था, किसी के दो, और किसी के एक दो से ज्यादा टारगेट्स थे। तो इनको वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्ट गोल था टू एरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। यानी जो गुर्बत है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गुर्बत है और भूख और अफलास है, उसको ख़त्म करना। रिसेंट गेन्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1 हैव सीन द नंबर ऑफ हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड डिक्रीज टू फीवर देन 1 बिलियन। दो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलीव्स दैट दिस नंबर इज स्टिल unacceptably high. Millennium Development Goal 1 had 3 targets. जी, अब ये जो पहला गोल है इसके 3 टारगेट्स थे। उनमें से नंबर 1 था कि टू हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हुज डेली इनकम इज लेस देन $1.25। यानी ऐसे तमाम लोग जिनकी डेली की इनकम $1.25 से कम है, ऐसे लोगों की तादाद को हाफ करना। यानी ऐसे लोग जो हैं जिनकी डेली की इनकम $1.25 है, उनको उस कैटेगरी से निकाल के ज़्यादा इनकम वाली कैटेगरी में शामिल करना। यानी उनकी डेली की जो डॉलर्स में इनकम है उसको बढ़ाना। नंबर 2 टारगेट था टू अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग यंग पीपल एंड वुमेन। जी, ये टारगेट ये था कि 2000 से लेकर 2015 तक दुनिया के तमाम ममालिक के लोग, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, न सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट बल्कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करना, डिसेंट वर्क फ्राहम करना। किन को? यंग जो जनरेशन है और वुमेन, इनको। तीसरा टारगेट था कि टू हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम हंगर इन द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 2015। यानी जो लोग हंगर और भूखो अफलास में घिरे हुए हैं, उनको उनकी तादाद को हाफ करना, या दुनिया के 50% लोगों को
जो है वो हंगर और जो एक भूख व फ्लास होती है उस कैटेगरी से बाहर निकालना। जी, सेकंड गोल जो था वो दैट इज़ टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देयर इज़ ओनली वन टारगेट फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टू। अब ये जो सेकंड गोल है इसका भी एक टारगेट, ओनली वन टारगेट था, ये था कि टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन यूनिवर्सली इंक्लूडिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाई 2015। टारगेट ये था कि 2015 तक पूरी दुनिया के जितने ऐसे तमाम बच्चे मेल और फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स वो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करें, प्राइमरी एजुकेशन का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लें, यानी प्राइमरी एजुकेशन 2015 तक हर एक के पास हो। जी, थर्ड गोल वाज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पावर वुमेन। जी, देर वॉज ओनली वन टारगेट अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थ्री, इसका भी एक टारगेट था, दैट वॉज टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2005 एंड इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन बाई 2015। यानी 2000 से 2005 तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी पाई जाती है, जो एक एजुकेशन में फ़र्क रखा जाता है बॉयज़ और गर्ल्स में, उसको 2005 तक ख़त्म कर देना और 2015 तक इससे जो अपर लेवल की एजुकेशन में जो डिफरेंस या एक डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी पाई जाती है, उसको भी ख़त्म कर देना और एजुकेशन में जो एक डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में 2015 तक वो ख़त्म कर देना और इक्वालिटी ले आना। जी, फोर्थ गोल वाज टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी जो बच्चों की शरह अमवात है उसको ख़त्म करना, इनिशियली कम करना और अल्टीमेटली ख़त्म करना। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फोर हैज़ ओनली वन टारगेट। जी, ये जो फोर्थ गोल है इसका भी वन टारगेट था, वो टारगेट था कि टू रिड्यूस द अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट बाई 2/3 इन द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 2015। ऐसे तमाम बच्चे जिनकी एज 5 साल या उससे कम है, उनकी जो एक रेट ऑफ डेथ है उसको 2/3 तक कम कर देना। जी, फिफ्थ गोल वाज टू इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, यानी जो मदर हेल्थ है उसको बेहतर करना। तो इस गोल के दो टारगेट्स थे, नंबर वन टू रिड्यूस द मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाई 75%, यानी जो मदर की डेथ की शरह है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, वो 75% तक उसको कम कर देना 2015 तक। एंड सेकंड टारगेट वाज टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी, सिक्स्थ गोल वाज टू कॉम्बैट एचआईवी, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। यानी जो एचआईवी, एड्स, मलेरिया और दूसरी बीमारियां हैं, उनके उनके खिलाफ एक जंग करना शामिल था और इसके तीन टारगेट्स थे। ये जो गोल सिक्स है इसके थ्री टारगेट्स थे, नंबर वन टू हॉल्ट बाई 2015 एंड हैव स्टार्टेड टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ एचआईवी एड्स। 2015 तक जो एचआईवी एड है इसके स्प्रेड को रोकना, बल्कि इसको रिवर्स कर देना। नंबर टू टू अचीव ग्लोबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर एचआईवी एड्स फॉर दोज हु नीड इट बाई 2030।
10. 2010 तक के लिए ये टारगेट था कि ऐसे तमाम लोग जो एचआईवी एड्स जैसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उनको ट्रीटमेंट की एक्सेस मिले और वो इस ट्रीटमेंट करवा सकें. नंबर 3, टू हैव सीज्ड एंड स्टार्टेड रिवर्सल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीज़ बाय 2015. और 2015 तक के लिए ये टारगेट था कि मलेरिया और इस तरह की जो बड़ी डिजीज़ हैं उसकी वजह से जो इंसिडेंट्स होते हैं, नुकसानात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको 2015 तक रिवर्स करना. जी, 7th गोल वाज टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. जी, अब ये जो 7th गोल है इसके 4 टारगेट्स थे. फर्स्ट टारगेट वाज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू एवरी नेशंस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड आल्सो रिवर्स द डेप्लिशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. जी, पहला टारगेट ये था कि दुनिया के जितने ममालिक हैं, जितनी नेशंस हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं और जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको इंक्लूड करना और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की जो डिप्लिशन हो रही है, जो खात्मा हो रहा है, उसको रोकना. नंबर 2, टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड अचीव अ सस्टेनेबल रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस बाय 2010 तक के लिए ये टारगेट था कि जो एक नबाताती हयात है, बायोडाइवर्सिटी लाइफ है, उसमें जो लॉस हो रहा है उसको कम करना और ये जो इसमें लॉस हो रहा है उसको 2010 तक कम कर देना. नंबर 3rd टारगेट था टू हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन बाय 2015. और 2015 तक ये टारगेट था कि दुनिया के 50% लोग जो के साफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर से डिप्राइव्ड हैं और सैनिटेशन की बेसिक फैसिलिटीज जिनको नहीं मिल रही उनको इस कैटेगरी से बाहर निकालना, या ये कह लें कि दुनिया के जो 50% लोग हैं उनको क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और उनको जो सैनिटेशन की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो 2015 तक फ्राहम करना. 4th टारगेट ये था कि टू अचीव सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ अ मिनिमम ऑफ 100 मिलियन स्लम डिवेलर्स बाय 2020. जी, स्लम डिवेलर्स से मुराद ये होती है कि कच्ची आबादियों के रहने वाले लोग. तो इसमें एक ये टारगेट था कि पूरी दुनिया के 100 मिलियन या 10 करोड़ लोगों को, ऐसे लोग जो कि कच्ची आबादियों में रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ जो है, उनकी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना. जी, उसके बाद 8th और लास्ट गोल जो था दैट वाज अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट. जी, अब ये जो गोल है इसके 6 टारगेट्स थे. इसका पहला टारगेट ये था कि टू फर्दर डेवलप एन ओपन प्रिडिक्टेबल रूल बेस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम. जी, ये टारगेट इससे मुराद ये है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक उनमें उनको ओपन करना ताकि उनकी ट्रेड ओपन हो सके, उनकी लेबर जो है एक मुल्क से दूसरे ममालिक में इजीली मूव कर सके,
और चीज़ों को प्रेडिक्टेबल बनाना, और जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक, सोशल और दूसरे जो मसाइल हैं उनकी प्रिडिक्शन हो सके, ताकि उनको प्रॉपरली टाइमिंगली रिजॉल्व किया जा सके, और रूल बेस्ड और कंट्रीज़ के दरमियान चीज़ों को बाकायदा रूल्स की बुनियाद पे डील किया जाए, और दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, रिच और पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो ट्रेडिंग में, इकोनॉमिक सिस्टम में जो एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, जो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है उसको ख़त्म करना, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग और इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करना। जी, सेकंड टारगेट इसका ये था कि टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए इकदाम करना। थर्ड टारगेट था कि टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, डेवलपिंग स्टेट्स एंड लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, ऐसे तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि स्मॉल आइलैंड्स हैं, जज़ीरे हैं, या वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनका बाकी दुनिया के साथ कोई ज़मीनी रबता नहीं है, तो उन ममालिक की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इकदाम करना। जी, उसके बाद फोर्थ टारगेट जो था, दैट वाज टू डील एग्जॉस्टिवली विद द डेट प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने चूंकि बहुत लोन्स लिए होते हैं, तो उनके जो डेट के मसाइल हैं, जो कर्ज़ों के मसाइल हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए इकदाम करना। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था कि टू प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो फ्राहम करना, और उनको ये जो असेंशियल ड्रग्स हैं ये फ्राहम करना, और ये जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ, उनके तावन के साथ इनको मेडिसिंस तक एक्सेस देना। इसका आखिरी टारगेट ये था कि टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। जी, ये टारगेट ये था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी जो कि रिच कंट्रीज़ ख़ास तौर पे इन्वेंट और इनोवेट करती हैं, तो इससे पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक इससे फ़ायदा उठाएं, ख़ास तौर पे जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाएं, और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ, प्राइवेट सेक्टर के तआवुन के साथ जो है वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। तो ये तो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिनकी तादाद 8 थी और जिसका ड्यूरेशन 2000 से लेकर 2015 तक था। थैंक यू।